हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एलिस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा रिचार्जेबल टेबल फैन बनाना सिखाऊंगा, जो कि आपको इस गर्मी में बहुत ही काम आएगा। फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाते, चलिए आज के वीडियो के टॉपिक पर चलते। फ्रेंड्स, इसका बॉडी बनाने के लिए मैं एमडीबोर्ड का यूज कर रहा हूं, और इसके हेल्प से मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाऊंगा, और ये सबका साइज आपको इंदौर से हो रहा होगा। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना दिया है, और इसको बनाने के लिए मैंने एमडीबोर्ड का और फेविकॉल का यूज़ किया है, और नीचे मैंने साइड साइड में ग्लू गन का भी यूज़ किया है ताकि और मजबूत हो सके। और यहाँ पर मेरे पास एक चार्जिंग जैक है फीमेल वाली, ये मैं आप मोबाइल की चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टोटल 3 होल किया है, और इसका क्या क्या यूज है मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगा, चलिए वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड्स, ये जैक इसमें पर फिक्स हो चुका है, और इसके बाद हमें एक 3 वोल्ट LED चाहिए होगा, और मैंने यहाँ पर एक रेड LED का यूज़ किया है। आप यहाँ पर किसी भी कलर का LED का यूज़ कर सकते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं है। और इसको भी मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया है, और जो वहाँ पर एक होल बचा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर एक स्विच फिक्स करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक SPST स्विच है छोटा सा, और इसको मैं आगे वहाँ पर फिक्स कर दूँगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है स्विच को, और आप लोग देख सकते हैं तीनों कंपोनेंट हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें एक डायोड चाहिएगा, यहाँ पर मैं 4007 नंबर की डायोड ले रहा हूँ, और इसको हमें जो स्विच के ऊपर वाली पॉइंट है वहाँ पर आपको कनेक्शन करना है, और जो सिल्वर कलर वाली साइड है उसका कनेक्शन स्विच पर करना है, और जो ब्लैक कलर वाली साइड है उसको जो कनेक्शन है चार्जिंग जैक के पॉजिटिव के साथ करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डायोड की कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये LED का बारी है। और फ्रेंड्स, ये LED का लैग थोड़ा बड़ा है तो मैं इसका लैग छोटा कर दूंगा, कैंची से आपके पास कटर है तो कटर से भी काट सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें एक और एक कंपोनेंट की जरूरत है, वो ये रजिस्टर। यहाँ पर मैं 330 mm के रजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर 1 kΩ का भी रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा, चलिए। जो एक पॉइंट है रजिस्टर का, वो हमें डायोड की सिल्वर कलर ब्लैक कलर वाले पार्ट है वहाँ पर करना है, और जो दूसरी पॉइंट है LED की पॉजिटिव में करना है। जो हमने LED का लैग कट किया था वही LED का पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसको भी मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन के हेल्प से कनेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, आप सर्किट डायग्राम के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैंने सर्किट डायग्राम वीडियो के बीच में प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना आए इस फैन को बनाने में। फ्रेंड्स, अभी और दो चीज़ का कनेक्शन करना बाकी है, एक है LED का नेगेटिव, और दूसरी वो चार्जिंग जैक के नेगेटिव, और ये दोनों को हमें आपस में कॉमन करना है। जो चार्जिंग जैक के नेगेटिव और जो LED है उसको हमें एक साथ कनेक्शन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, और फ्रेंड्स जब आप सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं तो आप बहुत केयरफुल से इसका यूज करें ताकि आपको किसी भी चोट-वोट ना लगे। और फ्रेंड्स, ये इसका सर्किट डायग्राम आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं बैटरी ले रहा हूँ, ये मेरे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी है, ये मोबाइल की बैटरी है। आप यहाँ पर जो 850 बैटरी है उसका भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर छोटा और एक बैटरी का ऐड किया है ताकि इसका MAH बढ़ सके। और जो ब्लैक कलर पर मैंने एक और वायर के कनेक्शन किया है ताकि हमें मोटर का भी कनेक्शन करना आसान हो सके। और जो पॉजिटिव वाली वायर है ये रेड कलर की, इसका हमें स्विच के ऊपर वाली पॉइंट में कनेक्शन करना है जो डायोड है वहाँ पर। और जो नेगेटिव वाली वायर है इसका हमें इसका जो चार्जिंग वायर का वायर है जहाँ पर उसमें ही कनेक्शन करना है। आप जो LED है उसका नेगेटिव में भी कनेक्शन कर सकते हैं क्योंकि वहीं पर हमारा चार्जिंग जैक का भी कनेक्शन है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर और बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, आपको लगे कि ये बैटरी से आपको बैकअप वजह से नहीं मिला तो आप और बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आप बैटरी का यूज़ करेंगे वो सभी का कनेक्शन पैरेलल होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन भी हो चुका है, और जो बैटरी का हमें हॉट ग्लू की हेल्प से और अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है ताकि ये हिले ना।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बैटरी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स हमारा यहाँ का सारा सब कुछ कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है मोटर का कनेक्शन के सिवा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले रहा हूँ ये मोटर की वायर के लिए, और इसको हमें यहाँ जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट है वहाँ पर कनेक्शन करना है। फ्रेंड्स यदि आपका वायर कनेक्शन अच्छे से नहीं होता है या फिर सोल्डरिंग अच्छे से नहीं होता है तो आप सोल्डरिंग फ्लक्स का भी यूज कर सकते हैं, उसके हेल्प से वायर अच्छे से सोल्डरिंग हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो वायर दिख रहा होगा अलग अलग, और रेड यहाँ पर पॉजिटिव वायर है और ब्लैक वाली नेगेटिव वाली वायर है फैन या फिर मोटर के लिए बोल सकते हैं। और इसी स्विच की हेल्प से आप मोटर को पावर दे सकते हैं। और यहाँ पर एक चार्जर है मेरे पास इसको चेक करने के लिए कि यह अच्छे से चार्ज हो रहा है या नहीं, ऐसे से चार्ज हो रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसका स्टैंड बनाने के लिए मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप का यूज कर रहा हूँ, और ऊपर मैंने एमडीआई बोर्ड को फिक्स कर लिया है गोल कट करके, और इसका साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसका ये ऊपर नीचे करने के मैकेनिज्म बनाने के लिए मेरे पास कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर का पीछे एमडीआई बोर्ड की मैंने बनाया है, और दूसरा एक और है इसका भी मैंने एमडीआई बोर्ड के हेल्प से बनाया है और ऊपर से टेप को चिपकाया है, और इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेट करके फिक्स करना है। फ्रेंड्स इसका स्टैंड मैंने कुछ इस टाइप से बना लिया है, और यहाँ पर मोटर को फिक्स करने के लिए पीवीसी पाइप का यूज़ किया है, और इसको थोड़ा हीट करके मैंने यहाँ पर मोटर को फिक्स कर दिया है। और जब मैंने आपको दो पीस दिखाया था इसको कुछ इस टाइप से फिक्स कर लिया है, और इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा नट लगा लिया है। छोटा था छोटा इतना छोटा हुआ कि मैं यहाँ पर बोल्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता टाइट करने के लिए। और फिर यहाँ पर वायर को मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया है, और इसके नीचे से मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। यहाँ पर आपको दो वायर दिख रहा होगा, ये दोनों वायर मोटर के है। फ्रेंड्स इस मैकेनिज्म की हेल्प से आप अपने फैन को कुछ इस टाइप से ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको जिस भी साइड आवाज चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आप भी इसको कुछ इसी टाइप से बना सकते हैं। मैंने ऊपर जो एमडीआई बोर्ड का यूज़ किया है उसके जगह आप वहाँ पर थोड़ा मोटी वाली वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा ऐसे 80% वर्क कम्प्लीट हो चुका है, और हमें यहाँ पर जो स्टैंड है उसको यहाँ पर फिक्स करना है, और उसके पहले हमें एक एमडीआई बोर्ड के पीस चाहिए होगा ऊपर के लिए, जो सबसे नीचे एमडीआई बोर्ड का पीस है वही साइज का पीस है ऊपर के, और इस स्टैंड को यहाँ पर हमें फिक्स करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऊपर स्टैंड को फिक्स कर लिया है, और मोटर के कनेक्शन भी कर दिया है। जो मोटर के वाइट वायर थी वहाँ पर मैंने ब्लैक वायर के साथ कनेक्शन कर दिया है, और जो ऑरेंज कलर की वायर थी उसके साथ मैंने रेड कलर की वायर कनेक्शन कर दिया है। फ्रेंड्स आपको मोटर के कनेक्शन आपका प्रॉपरर के हिसाब से करना है। मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप का प्रॉपरर का यूज़ किया है, और ऐसा ही कनेक्शन करने से इस प्रॉपरर से हवा आगे की तरफ आती है। यदि आपके फैन से हवा पीछे की तरफ गया तो जो मोटर की वायर है उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको फिक्स करता हूँ और फिर इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स सारा सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, और मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। देखिए ये पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से पीछे की तरफ धकल रहा है, और इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी फैन ये फैन कैसे हवा दे रहा है। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर छोटी प्रॉपरर है, आपके पास यदि बड़ा प्रॉपरर मिल गया तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि बड़े प्रॉपरर से आपको और भी अच्छे तरीके से हवा आएगा। मुझे मार्केट में ये प्रॉपरर मिली तो मैंने ये लेके आ गया। और हाँ फ्रेंड्स आपको इसे बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसका लुक और भी अच्छा हो जाए मैंने इसीलिए यहाँ पर रेड कलर के मार्कर और ब्लू कलर के टेप का यूज़ किया है। देख सकते इसका लुक थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। फ्रेंड्स फिर एक बार मैं आपको इस फैन को चार्ज करके दिखा दूँगा। देखिए यहाँ पर मैं चार्ज लगा रहा हूँ, और यहाँ का जो रेड कलर की LED थी वो जल रही है, और मैं चार्जर निकाल दूँगा तो ये ऑफ हो जाएगी, और फिर चार्ज लगाऊँगा तो ऑन हो जाएगा। और ये आप चार्ज लगाते लगाते भी इस फैन से हवा ले सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।